दो डाल। मेरे कमाने वाला खाएगा या तुम्हारे जैसा लुच्चा? ये ले बेटा। इसमें मेरा नाम लिखा है, जाके कहीं और लिख। रोज रोज का नाटक है इसका। तुरंत निकल जा मेरे घर से। परेशान हो गई मैं इससे। भैया तुम अभी इसी वक्त इस निकम्मे को यहाँ से लेकर जाओ। इस गुंडे नालायक को हम और नहीं पाल सकते। हमारी जिंदगी को पूरा नरक बना दिया इसने। गलती तो मेरी है, काटा सींच कर बड़ा किया और अब हमें ही छिल रहा है। ये ले, बात कर। क्या सूरज? अरे मामा, माँ की तो आदत है बेमतलब का तमाशा खड़ा करने की। तभी तो जैसे तमाशे को अपने कोख से चुना है मैंने। सड़क के कुत्ते की तरह मरेगा तू। मेरी बात मानोगे? जी मामा। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ आ जाओ। बॉल दो। मैं नहीं मानती, इसने अपने भाई का सर फोड़ा। देखा कितनी तेज है तुम्हारी बहन, अपना बोझ हमारे सर पर मार दिया उसने। तुम्हें तो उसका बचपन पता है ना, कुछ तो दया करो उस पे। तुम भी जाकर अपनी बहन के साथ ही मर जाओ। अच्छा किया तुम आ गए। मामा वो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मामी बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाना खाओ और थोड़ा आराम कर लो। जाओ। आइए मिस्टर लेट लतीफ, तुम्हारे पति ना कभी टाइम पे नहीं आते। सॉरी यार, मीटिंग्स एंड मोर मीटिंग्स, दो घंटे में तीन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़े, 360 क्रॉस, 260 क्रॉस एंड 56 क्रॉस। वाओ, और मेरा हिस्सा? सब तुम्हारा ही है, जितना चाहे ले ले। दैट्स माय फ्रेंड। वैसे मेरे जाने मन गेम कैसा खेलती है? भाई आपकी मैडम तो बहुत कमाल का गेम खेल रही है, क्या शॉट्स लगाती है। तुम्हें किसी दिन आके इनका गेम देखना चाहिए। नहीं यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। इस गेम की वजह से अब ये मुझसे वक्त वक्त पर सवाल नहीं करती। खैर अब चलना चाहिए, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ श्योर, गुड नाइट, बाय बाय। कब जाना? शो, आज भैया बिजी हैं, कल खेलेंगे। ओके okay?
रुक साले। आसमान यू अलग। स्टॉप। मैं तुझे छोडूंगा नहीं। फेस साले ना। ए बाद में सोच रहा है। ए जीरा रुक। मरेगा साले। ए बैठ बैठ रुक रुक। ए ए भाई भाई प्लीज। मैं क्या कर सकता हूँ? सुन सुन सुन। ये मरना है क्या? लाइफलाइन छोटी है तेरी शायद। क्या मजाक करती रहती जानो नींद नहीं आ रही। कितनी बार कहा आपसे आप भी मेरी तरह मेडिटेशन किया करो, आसानी से नींद आ जाएगी। मुझे देखना, फौरन घोड़े बेच कर सो जाऊंगा। गुरुजी, कितने चाहिए बोलो, कितने रुपए चाहिए? 5 लाख। 5 रुपए तक कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी? 10 लाख। तुम जैसे निकम्मे को कोई भीख भी नहीं देगा। 20 लाख। तुम्हारे जैसे गधे कैसे अपनी जिंदगी में कुछ कमा पाएंगे? ओके 50 लाख्स। You know my status. तुम बड़ा हाथ डालने की फिराक में हो। But I won't let that happen. You understand? Hey, listen. Hey, stop, please stop. I'm sorry. तुम ही टेप की कीमत बोलो। कितने रुपये चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे नहीं चाहिए। डरो मत। मुझे तुम्हारी मक्खन जैसी जवानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा उसूल अलग है। मैं मानता हूं कि दिल को दिल से बस छू कर वो सुख मिल जाता है जो पतन को पतन से खिसड़ खिसड़ कर नहीं मिलता। शट अप। 1 करोड़ लो और यहां से दफा हो जाओ। ना। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ये अमीर जिंदगी, समझी? नहीं, मैं मरते दम तक ना अमीर रहना चाहता हूं। कल को अगर मुझे ये गाड़ी चाहिए तो बस एक फोन कॉल। अगर मुझे 5-स्टार होटल में रूम चाहिए ना तो बस एक फोन कॉल। तुम तो धन का सागर हो, और जब जब मुझे पैसा चाहिए ना मैं उसमें डुबकी लगा लूंगा। मैंने सुना है तुम्हारे पति के पास 13,000 करोड़ का बिजनेस है, और मैंने सुना है कि तुमसे शादी करने के बाद मां लक्ष्मी उन पर मेहरबान हुई है। अब तुम उसके दिल में देवी जैसी बसी हो। वाह। और देवी से कोई हिसाब थोड़ी ना मांगता है। तो सेनोरिटा, तुम मुझे 25 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट दे दो आज, और मैं ये
ये डील पक्की समझूंगा। भाई लोग मुंबई आ जाओ, मुंबई यहाँ पे सब मस्त सेट हो गया है। मटो ये बटना, अबे इधर ही जाना है, वहाँ पे जाने का भाव बोल रहा है क्या? ओए सूरज, अबे सूरज देख साली जयकुमार, अचानक इतना पैसा किधर से आ रहे? तू कोई अंडरवर्ल्ड के साथ तो काम नहीं कर रहे? मेरे को तो ओनली पुलिस से डर लगता है, तेरे लिए तो सिक्योरिटी गार्ड ही काफी। अच्छा गाइस गाइस सुनना, तूने कोई पूरी अभी लड़की पटाई है क्या? जब भगवान देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। अब मत पूछ किसका छप्पर फटा। किसी का भी फटा, माल तो अपनी झोली में ना। This is ridiculous. एक हफ्ते में उसने 75 लाख रुपए फूंक दिए। अरे आजकल 50,000 रुपए में एक आदमी का आचार बन जाता है। तुम बस एक बार हाँ कह दो, I'll kill that bastard. Hello. Hey, तू कब आया? बस अभी अभी, 5 मिनट पहले। अरे तो इतना पैसे के पीछे क्यों भागता है? अपनी बीवी का भी ख्याल रखा कर। क्यों? क्या हुआ? उनकी गर्दन में स्प्रेन आ गया है। उसे फोन देना। श्योर। हाय डार्लिंग। हे जान, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ गर्दन में थोड़ी सी मोच आ गई थी। मोच? कैसे? डॉक्टर को दिखा? नहीं, बस थोड़ा सा आराम करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अब तो काम में मन लगना भी मुश्किल है। आशीष को फोन देना। ऑफ कोर्स डार्लिंग, वन सेकंड। हाँ बोल। उसे मेरी बीवी रहने देना, चैंपियन मत बना। ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, बाय। क्या हुआ? Come on. क्या हुआ तुम्हें? बस और अब नहीं आशीष, एक हफ्ते से मैं खुद में घूट रही हूँ। एक सरकचाप लड़का आकर कहता है कि प्यार जिस्म से नहीं दिल से होता है, फिर ये हम कैसे भूल गए? हाँ देखो, एक बार करोगी तो गलती लगेगी, बार बार करोगी तो स्टाइल बन जाएगा। Want this time. तुम उस कमीने की वजह से कंफ्यूज्ड हो रही हो, पहले मैं उसकी खबर लेता हूं, तुमसे बाद में बात करूंगा। क्या भाई? चलना। क्या हुआ? अरे गाड़ी में चल, फिर बताता हूं क्या हुआ। भाई जाने, चल देव निकल। पागल है, उधर ही बोल देता ना, इधर क्यों लेके आया? अबे टेप निकाल अभी। दिमाग का वायर थोड़ा ढीला है, टेप का साला कोई पर होता है क्या इधर रोड के आएगा? हाँ काम हुआ? हेलो भाई, वो तो एक ही लाफे में रो पड़ा। बेकार में 6 लोगों को भेजा आपने। अबे उसे कम मत समझ, एक नंबर का कमीना है वो, तू उसे टेप ले और उसका गला काट। बस 5 मिनट में वो काम भी हो जाएगा। Thank you.
अच्छा क्या किया? प्लीज इतना गुस्सा हाँ? बहुत एक्सपेंसिव है, स्टॉप करो। ये ले। मैडम कुछ आवाज आया? कुछ नहीं, मैं इंग्लिश फिल्म देख रही हूँ। हाँ और ये फिल्म बहुत बड़े बजट की है। स्टॉप! ओह गॉड! आई सेड स्टॉप! स्टॉप! ओह स्टॉप प्लीज! आई एम बेगिंग यू! स्टॉप! आई सेड स्टॉप! आई बेग यू सो। भीख क्यों मांग रही हो? चलो चलो उठो, पुलिस को फोन करो। लेकिन अगर पुलिस आई तो मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। और हाँ, वहां तो मेरे भी बाप बैठे हैं, वो तो मुझसे भी ज्यादा टकार लेंगे। या तो तुम अपने पति को फोन करो, लेकिन अगर उसे पता चला तो तुम सड़क पे आ जाओगी। और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। मैं सोता जागता उठता बैठता सिर्फ पैसों में हूं। फिर कभी मेरी बाट लगाने का सोचोगी? मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सजा? अब मैं और भी पैसा खर्चा करूंगा। मैं कभी फॉरेन नहीं गया हूं, अब जाऊंगा। अगर दूध के साथ करेला खाओगी ना तो उल्टी तो होनी है। अरे वो तेरे रिश्तेदार ना आ गया अभी। बहुत छोटा है ना। मैंने इस पे अपना नाम लिख दिया है। मुझे तो उस पर कोई नाम नहीं दिख रहा है। क्या हुआ यार? यूरोपियन वाले नहीं नहीं बहुत आती है वो हमें ऐसी यूरोपियन नहीं नहीं हिंदुस्तानी है। स्टाइल से तो हिंदुस्तानी भी नहीं लगती। मैं पता लगाता हूँ। कैसे? एक गेम खेलते हैं, मैं भागना शुरू करता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ, फिर मैं उसकी तरफ भागता हूँ, उससे टकराता हूँ, गिरने के बाद कुछ तो बोलेगी। सुपर। तो मानना पड़ेगा कि ये मैक्सिकन मलाई है या यूरोपियन माल है या फिर हिंदुस्तानी है। Really fantastic है। ये कौन सी भाषा है? How dare you knock her down? This idiot thinks that you're alone. Jumbo, Sasa, Mambo,
नमस्ते नमस्ते ए चो इंडिया से आए बच्चे कारीगुरी कारीगुरी ओहो वेलकम टू माय लैंड केनिया आई एम चू त्या मेरा मतलब है क्या चुनी भाई ईश्वरचंद मणिलाल चुनी भाई आई एम सी यहाँ से 100-100 acres दूर जितनी भी जमीन दिखती है ना आपको इस जंगल में ये सब मसाई मारा है मसाई मारा है तुम लोग को मेरे पे बिलीव नहीं आ रहा चलो प्रूव इट टू यू करके दिखाता हूँ अभी फॉर एग्जांपल है वो हाथी दिख रहा है तुम लोग को स्मॉल नहीं लार्ज वाला वो हाथी मेरा है ए रमेश भाई अभी देख रहा है क्या बनारसी सादा 120 पहुंचा दूंगा ना गुटको बेंचे आईला गुजराती आती और वो देखो वो लाल कपड़े में आदमी दिखता है ए जोतिन जय श्री कृष्ण करो सबको देखा वो है ने वो मेरा नहीं है उसकी मम्मी मेरी है आपकी शादी हो गई हा? नहीं मेरी मिसिस की शादी हो गई है अरे इधर लोग मेरे को अनक्राउन किंग को मसाई मारा बुलाते इसलिए तो हरेक काम छोड़ देते हैं पार्टी करने कहां जा रहे अरे होल एंड होल केनिया का सोल एंड सोल बेस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजर इधर बैठा और तू इसको पूछ रहा है पार्टी कर सकते हैं किधर पार्टी करने की है बोलो अरे तुम्हारे बॉलीवुड के हर आइटम नंबर की आइटम गर्ल सब मेरे पास है मुन्ने बजा बदनाम कमोन देखा नमस्कार भी करके गए चल अभी बाय चल चलता मीठा कमर से लेट में छाकू दिया इसके इसका पिछवाड़ा परमानेंट वाइब्रेशन मोड पे होता है एंड नाउ फिनाले एक समय मेरी ओरिजिनल अप्सरा चल अरे तुम लोग को एक्सक्यूज मी हो एक मिनट ताली तो क्या एक्सक्यूज मी ये लेना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल है अंबानी का फोन है हाँ अनिल मुकेश नीता नहीं अल्फ्रेड अल्फ्रेड अंबानी का फोन है एक मिनट हेलो अल्फ्रेड भाई क्या इधर फॉर्म के लिए बन जा रहे हो वही आपका इकोरो क्लॉज अगर किसी को पानी में फेंके तो क्या होगा तो क्या कपड़े गीले हो जाएंगे चुप चल मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं लड़की की बात कर रहा हूँ ब्लूटूथ बेबी हैला अबे ये पटाखा भी इस होटल में आज पता करते हैं कहाँ से है मैं यहाँ से भागूंगा तुम लोग मेरे पीछे मैं उसे पीछे से धक्का दूंगा और पानी में गिरा दूंगा ओके अरे पर इस बार अपनी मदर टंग में कुछ बोलेगी है बोलेगी चल सूरज चल अरे भागना है क्या कर सूरज अरे भाग तुसी फिर से मिस कर गए जी भाई लोग पंजाबी है पंजाबी एटी से आप आए तुसी मुंबई से हो क्या आपको कैसे मालूम आज की 3G दुनिया में पूछने की बजाय कोई धक्का दे के जानना चाहे तो वो जरूर मुंबई से ही होगा आ गया साला साहब तुझे भीगते हुए देख ले थोड़ी भागे दे व्हाट्स हैपनिंग हियर अरे मोटा अपने पाप हो रहा है अरे यार क्यों सुबह सुबह उठा दिया भैया हम लोग एक सफारी के लिए जा रहे हैं अरे यार रोज जानवर दिखाता रहता है कुछ नया तो दिखाते हैं अच्छा तो ये है तेरी सफारी लगता है शिकार एकदम तगड़ा होने वाला है कम ऑन चलो चलो हंटिंग देखने नहीं यार सुबह सुबह खाली तो पड़ने देते पेट बंदे यार अबे तेरी और गेट ओक्लू कैसा है हाय बड़ी पोले बड़ी पोले बड़ी पोले बड़ी पोले बड़ी पोले I see you go go. Yeah, yeah, yeah. अबे बच्चों के साथ चल रही है। अरे
ये लोग एकदम नजदीक आ रहे हैं। कितने क्यूट है यार। के बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे भी ये खून खराब अच्छा नहीं लगता। तुम क्या करते हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे बिजनेस का टर्नओवर यही कुछ 2500 करोड़ का है। दैट्स ग्रेट। आप सीलिंग जानती हैं? हाँ। सीलिंग से वो एक एल शेप की बिल्डिंग दिखाई देती है? हाँ। वो बिल्डिंग मेरी है। ओह अच्छा। मेरा डॉक्टर हमेशा कहता है कि महीने में एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। मीटिंग्स 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 यू नो। मैं यहाँ आया हूँ अपने बचपन के दोस्तों के साथ। हैं तो निकम्मे मगर दिल के बहुत प्यारे हैं। तभी मैं कहूँ कि वो तुम्हारे बराबर के लगते नहीं है। वैसे आप क्या करती हैं? मैं लंदन में पढ़ाई करती हूँ और मेरे डैड भी तुम्हारी तरह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वैसे वो मेरे साथ इस ट्रिप में आने वाले थे लेकिन फिर उन्होंने मुझे इस बॉडीगार्ड के साथ भेज दिया। ये बॉडीगार्ड आपका लंदन से है? हाँ, जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से मेरे डैड ने इस बॉडीगार्ड को मेरे साथ रखा है। अगर मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ है तो सिर्फ ये बॉडीगार्ड। He is looking at us. एक दिन के लिए इस बॉडीगार्ड से दूर ले जाने की हिम्मत कर सकते हो? अब देखना मेरी आइटम गर्ल क्या मैजिक करती है। बाना लॉलीपॉप की शौकीन है एकदम। You're a genius, MC. चिमनी लाल तूने कर दिया कमाल। फंस गई ना मछली कांटे में। फिसल रहा है। Yes. ये चलो, ओ अभी चले। अरे धीरे भाग मोटे ब्रिज गिर जाएगा। नहीं आएगा जब तक मैं ना चाहूं, वो वापस नहीं आएगा। Why are you tying me up? According to our custom, we tie up the men, then we start. Oh, I see. Open your mouth. Why? Men start crying to one. Okay, much wonderful. Bye. Have a good day. सेनोरिटा, क्या चाहिए तुम्हें अभी? मुझे $1,00,000 चाहिए। वहाँ बैठकर ऑर्डर कर रहे हो मुझे? लुक आ रही हो क्या तुम्हारी? अब सेनोरिटा, तुमसे क्या छुपाना? मुझे एक सिंड्रेला से प्यार हो गया है। और फेरी टेल में तो सिंड्रेला को सोने का जूता मिला था, है ना? मैं अपनी रानी को एक डायमंड का नेकलेस देना चाहता हूँ। A rich man's love after all, हाँ। इतना सारा पैसा इतनी जल्दी वहाँ पहुँचना आसान है? चिल्ला क्यों रही है? मैं इंडिया में नहीं हूँ इसलिए। ये पुराने ज़माने का ट्रंक कॉल नहीं है, आराम से बात कर। रिलैक्स, calm down। वैसे मैंने सुना है कि वो वायर ट्रांसफर, हवाला, अलाना ठिकाना, वो सब होता है ना? हाँ? और तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स मैं जानता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे लिए ये
एक सेकंड का काम है। तो मैडम मुझे मेरा पैसा चाहिए। ओके, अपने कमरे में जाओ, कैश वहां मिल जाएगा। Now that's a good girl, huh? Thank you. Woo! चांस मिलेगा। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो सारी जिंदगी हमें जेल में गुजारनी पड़ेगी। चलो यहां से। कैसे थे हम लोग? कैसे हो गए यार? चुप साले, अरे उन भूखे चोरों ने सुन लिया तो यहां में हफ्तों तक रखकर खाएंगे। अबे चुप, नहीं तो सबसे पहले तुझे खाएगा।
আমাকে মোবাইলটাও দিচ্ছে না, এইদিকে আমাদের ভালোবাসাটাও মেনে নিচ্ছে না, আমি আর তোমাকে খাওয়া আমি কেন মরি না, কালকে তোমাকে বিয়ে করবো, দেখি কোন সালা আপনার তোমার একটা দম নেই তোমাকে আমার থেকে আলাদা করবে। আমি কেন মরি না, তুমি আমার বুকে যেমন রাঞ্চিত আছে আমার বুকে যেমন তুমি আছো, আমাকে কিছু দিতে হবে না, আমি তোমাকে ফ্রিতেই বিয়ে করবো। আমি পারি না আর পারি না, আমি কেন মরি না। আচ্ছা সোনা তুমি জামা কাপড় গোছো, আর সন্ধ্যাবেলা তোমার বাবার সামনে থেকে আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। উঠা হুয়া সাস হুঁ মে খুদ সে হি নারাজ। তুমি রেডি থাকো, আমি ফোনটা রাখলাম, রাখার আগে একটা দেবো নাকি। আচ্ছা সোনা তোমার ছুটে দেই, আলা মালটা একটা পাকা যন্ত্র রে, আমি পালা রে।